इब्तिदा है रब जलील की बाबरकत नाम से जो हमारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तमाम सुनने वालों को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम जा रहा है, सबको मेरे तरफ से सलाम पहुँचे। अहलन व सहलन मरहबा। भले करिया बखैर रागले हर कला राशा जी अयानो। प्रोग्राम में खुश आमदीद तमाम सामीन को। ये है रेडियो पाकिस्तान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खुशबू वतन। मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल साफ़ी। पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक रात के 11:15 होने वाली है। आज जनवरी की 20 तारीख है और साल 2022 है और दिन जुमरात है। तमाम सामियों को प्रोग्राम खुशबू वतन में खुश आमदीद कहते हैं। जहां रहे खुश रहे और खुशियां समेटते रहे। सामीन खामोशी क्या है, आज इस पर बात करेंगे। सामीन खामोशी क्या है, खामोशी एक जबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलते ही नहीं चीखती भी है, पुकारती और लताड़ती भी है। महबूबा खामोश रहे तो नाराजी, महबूब खामोश रहे तो बुजदिली। वालिदैन खामोश रहे तो मजबूरी और औलाद खामोश रहे तो सादत मंदी। इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश रहे तो बेहसी। कौम खामोश रहे तो मजलूमियत और हुकामरान खामोश रहे तो सियासत। सामीन ये खामोशी से कई राइजुल वक्त है, जब भी राइज हो जाती है तो किसी को खरीद लेती है या किसी को बेच देती है। लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। खास मौके और खास वक्त पर इस्तेमाल की जाती है। कम से कम बोलने वालों और ज़्यादा सुनने वालों को अक्लमंद कहा जाता है। सामीन ये है खामोशी की राज। सामीन अगर आप हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार शेयर करना चाहते हैं, शरीक करना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं।
और अपने ख्यालात का इजहार शेयर करें हमारे साथ। ये है रेडियो पाकिस्तान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खुशबू वतन। अभी आपको एक नगमा सुनवाते हैं, नगमे के बाद आप प्रोग्राम सिलसिला पंजाबी दरबान सुन सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान सुहेल साफ़ी को अल्लाह हाफिज़।